मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज जो हम बेटा बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो पीछे आपकी एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी की, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आज करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, पिछला जो हमने जो देखे थे वीडियोज उसके अंदर मैंने पूरा एक जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो फर्स्ट चैप्टर के लिए भी मैंने पूरे 4 से 5 ऐसे लेक्चर वीडियोस बने हैं। यदि आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन देखने हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो आप वहां से मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दे रखा है, वहां पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चा मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आदाब अभिनंदन इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मेंटर मंगल पे। चलिए बच्चा बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और बिना कोई डिस्कशन किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का जो सवाल है पहला सवाल जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको एक बार देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा दिया हुआ है वो दे रखा है हाँ कि 5 × 10 की पावर -8 कूलम तथा -3 × 10 की पावर -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर दो आवेश दिए गए हैं बेटा, एक दिया गया है, तो देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल करने का बढ़िया तरीका होता है कि जो आपको दिया हुआ यदि डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 × 10 की पावर -8 कूलम, ओके, और फिर लिखा हुआ है -3 × 10 की पावर -8 कूलम, यानी कि दूसरा आवेश दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 × 10 की पावर -8 कूलम, ओके। दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो दिया गया है 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा, इसने बेटा पूछा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसके किस बिंदु पर विद्युत विभव है वो 0 होगा। ठीक है, ये हम ज्ञात करना सीखेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो इसने बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा वो देखते हैं। अब वो बिंदु है वो दोनों आवेशों के बीच में भी हो सकता है और वो बिंदु दोनों आवेशों के बाहर भी हो सकता है, मतलब यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे कि यदि बिंदु दोनों आवेशों के मध्य हो वो देखेंगे। तो देखो एक आवेश यहां पे ले लो, मान लिया कि ये आवेश कितना है Q1 है और ये आवेश कितना है बेटा Q2 है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया ये Q1 आवेश और एक हमने यहां पे ले लिया Q2 आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी है, यहां पर एक पॉइंट में मान लेता हूं P है, यहां पे हमारे को विभव निकालना है और इसने बोला कि ये दूरी कितनी होगी ताकि यहां पे जो विभव है वो 0 निकल के आए। मैं मान लेता हूं कि इस पी पॉइंट की जो डायरेक्ट मतलब यहां से जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं एक्स है, कितना है एक्स है। इस वाले आवेश की यहां से डिस्टेंस में मान लेता हूं, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां पे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, जब ये वाली एक्स होगी तो ये वाली कितनी होगी 16 माइनस एक्स होगी। क्लियर है? ठीक है, अब पी पॉइंट पे निकालना है विभव, तो वो तो गली गली में बच्चा कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है बच्चा, देखो पर अपन लिखेंगे Q1 आवेश के कारण P पर विभव कितना आएगा भाई बोलो, अरे P पर विभव कितना आएगा, तो अपन लिखेंगे V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला K Q upon R, तो अपन लिखेंगे K, Q का मतलब हमने यहाँ पे जो Q1 लिखा है वो अपॉन में प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस में Q1 है और आवेश जो Q2 दिया हुआ वो माइनस में दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे K Q1 अपन में, अरे दूरी कितनी है, अरे इस आवेश की वजह से यहां पे ज्ञात करना है दूरी कितनी है x है, तो यहां पे क्या लिखेंगे x लिखेंगे। इसने बोला कि इस आवेश की वजह से यहां पर कितना होगा, तो अपन लिखेंगे Q2 आवेश के कारण P पर विभव, और वो लाला कितना आएगा, तो अपन लिखेंगे V2 इज इक्वल टू K लिखेंगे।
आवेश कितना है, माइनस का है, तो माइनस में लिख देंगे Q2। देखो बेटा यहाँ पर जो अपन Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, इस वाले आवेश की वजह से यहाँ पे विभव निकालना है, तो अपन क्या लिखेंगे V2 इक्वल टू माइनस के Q2 अपन में 16 माइनस एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखिए टोटल विभव कितना होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यानी कि वी1 और वी2 का जब टोटल करोगे तो शुड बी इक्वल टू जीरो। तो वी1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू1 अपॉन में एक्स, वी2 का मान कितना है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस के क्यू टू अपॉन में 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बेटा बनेगा के क्यू1 अपॉन में एक्स, माइनस को इधर भेज दो, के क्यू2 अपॉन में 16 माइनस एक्स, यहाँ पर के से के कैंसिल हो जाएगा। q1 की वैल्यू बेटा दे रखी है कितनी, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू q2 की वैल्यू। अब यहाँ पर माइनस में मत रखना, क्योंकि माइनस जो आवेश है वो मैंने पहले यहाँ पे रख दिया है, आपको केवल इसकी परिमाण रखना है, और परिमाण कितना दिया हुआ है बेटा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 16 माइनस एक्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा 5x और इधर आ जाएगा 3x, 5x को इधर भेजेंगे तो कितना बन जाएगा, टोटल 8x बन जाएगा। ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, 8x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि इस वाले आवेश से यहाँ पर, यानी कि Q1 आवेश से इस आवेश से यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जीरो आएगा, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। यदि यहाँ से पूछा जाता तो अपन बोलते 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। क्लियर है, एक केस तो ये हो गया, अपन यहाँ पर अपन दूसरा केस देखेंगे। देखिए दूसरा केस देखने के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि यदि बिंदु जो दिया गया है वो कहाँ दिया गया हो, अपन लिखेंगे दूसरा केस, यदि ऐसा हो जाए तो, यदि बिंदु हिंदी पी बिंदु दोनों के मध्य में नहीं हो, या तो यहां पर हो या फिर यहां पर हो, तो आंसर कितना आएगा, बाहर हो, दोनों आवेशों के बाहर हो, तो फिर आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर आवेश दिया हुआ है Q1, यहां पर आवेश दिया हुआ Q2, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। मैं कोई भी पॉइंट है वो मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, जो पॉइंट ले रहा हूँ मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ कि यहाँ पर है, और यहाँ से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ये वाली दूरी भी बेटा कितनी है, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने P पॉइंट ले लिया, यहाँ पर निकालते हैं विभव, तो अपन लिखेंगे इस आवेश, ये कौन सा आवेश है, क्यू वन, ये कौन सा आवेश है, क्यू टू, तो अपन लिखेंगे क्यू वन आवेश के कारण, क्यू वन आवेश के कारण पी पर विभव कितना आएगा, तो अपन लिखेंगे V1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन में, आवेश कितना है प्लस का, तो प्लस का लिख देंगे Q1 अपॉन में, डिस्टेंस कितनी है बेटा, अरे यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, x मानी, तो x लिखेंगे, फिर लिखेंगे Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण कितना आएगा लाला, अरे बोल लाला कितना आएगा, P पर विभव, वो अपन लिखेंगे V2 से, और V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, K, आवेश कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लिख दो, माइनस Q2 अपॉन में, अरे ये वाला डिस्टेंस कितनी होगी, अरे जब ये डिस्टेंस कितनी है, x है, और ये कितनी है, 16 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 16 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस एक्स, टोटल विवो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू जीरो, अरे सेम तरीका फॉलो करना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, के क्यू टू अपॉन में 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा के क्यू वन अपॉन में एक्स, इसको इधर भेजो तो प्लस का बन जाएगा के क्यू टू अपॉन में 16 माइनस एक्स, के से के कैंसिल हो जाएगा, अरे क्यू वन का मान कितना लाला बोल, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में एक्स, अरे क्यू टू की वैल्यू भी बोल लाला कितनी है, ये रही 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, और ये माइनस का है, माइनस मैंने ऑलरेडी ले चुका है, तो यहाँ पर आपको केवल इसकी वैल्यू को लेना है, 16 माइनस एक्स, अरे ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करो तो 80 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस होगी, यदि ये वाला डिस्टेंस x है, ठीक है,
ये वाला डिस्टेंस 16 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो डिस्टेंस निकल के आएगी इस x में से 16 को घटा दो, x माइनस 16 आएगी बेटा, है ना। यहाँ पर आपको लिखना है x माइनस 16, नहीं तो फिर आंसर तो सेम आ जाएगा ना। x माइनस 16 लिख देंगे यहाँ पे, x माइनस 16, यहाँ पर भी आएगा x माइनस 16, यहाँ पर भी आएगा x माइनस 16। फिर इसको सॉल्व कर दो, देखो x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5x आएगा, माइनस 80 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3x को इधर भेजो तो 2x हो जाएगा, 80 को इधर भेजो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली बेटा डिस्टेंस कितने निकल के आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो 16 को घटा दो तो ये आ जाएगी 24 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं क्या सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर, एक आपको सम चतुर्भुज दिया गया है, एक सम चतुर्भुज है इस तरीके का दिया हुआ है, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेंटीमीटर भुजा, इसकी भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कितना दिया गया है Q इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। चतुर्भुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, इसका जो सेंटर होगा वहां पर आपको विभव निकालना है कि विभव कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर आवेश दिया हुआ है क्यू, यहां पर भी आवेश क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, और यहां पर भी क्यू है। ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा भी ए है, तो आपको पूछा जाए कि ये वाली भुजा क्या निकल के आएगी। देखो बड़ा सिंपल है, ये वाली भुजा ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी। यदि मैं इसको वेक्टर से सॉल्व करने जाऊं, ये मान लिया ए वेक्टर है, ये भी मान लिया ए वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सम चतुर्भुज के अंदर याद रखना कोई भी दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, तो यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनता है। और इन दोनों का यदि आपको रिजल्ट निकालना है कि इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, तो बड़ा ध्यान रखना इन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा, यदि दो सदिशें हमारे पास में दोनों सदिशों का मान बराबर है, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का होता है, तो उनका रिजल्ट भी उनके बराबर ही निकल के आएगा, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट होगा वो भी इनके बराबर ही निकल के आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि ये वाली जो भुजा निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, ए भुजा आएगी। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये वाला डी बिंदु है, ये वाला बिंदु ई है, और ये वाला बिंदु एफ है। तो अपन क्या करेंगे, बिंदु ए पर जो आवेश है इसकी वजह से यहाँ पे विभव निकाल देंगे, इसका विभव यहाँ पर निकाल देंगे, इसका विभव यहाँ पर निकालेंगे, इसका विभव यहाँ पर निकालेंगे, इसका विभव भी यहाँ पर निकालेंगे, और इसका विभव भी यहाँ पर निकाल देंगे, और टोटल निकालने के लिए सभी का बीजगणितीय योग कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि विभव एक अदिश राशि होती है। तो अपन क्या करते हैं, किसी एक आवेश की वजह से विभव सेंटर पे निकाल लेते हैं, और सभी की वजह से निकालना है तो उनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे किसी एक आवेश के कारण विभव, किसी एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव, कारण केंद्र पर विभव, और वो लाला निकल के आएगा V इज इक्वल टू, वो लिखेंगे के क्यू अपॉन में, अरे फॉर्मूला क्या हो, यदि कोई आवेश क्यू दिया गया है और आर डिस्टेंस पे पूछा गया है तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर। तो यहाँ पे लिखेंगे के, यहाँ पे लिखेंगे क्यू, और दूरी कितनी है ए है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। V इज इक्वल टू के का मान कितना 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू कितना दिया गया है 5 माइक्रो कूलम, इसको सॉल्व करो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ अपॉन में ए कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 × 10⁻², सेंटी को लिखा जाता है 10⁻², से लिखते हैं, बस इसको सिंपल सॉल्व ही तो करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻⁴, क्लियर है, तो इसको सॉल्व करो, आंसर निकल के आएगा 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 45, 45 के अंदर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5, तो आंसर आएगा 4.5 × 10⁻⁴ वोल्ट।
ये तो किसी एक आवेश की वजह से आया है। यदि आपको पूछा जाए कि सभी आवेशों की वजह से कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, अपन क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल निकालने के लिए अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ से नेट निकल के आएगा, वो निकल के आ जाएगा, मैं नेट को मान लेता हूँ VDS, तो VDS निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आएगा 27। तो अपन लिखेंगे 27 इंटू 10 की घात माइनस 4 वोल्ट। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, वो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु दिए हुए हैं, ए तथा बी पर दो आवेश दिए गए हैं। एक आपको 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी हुई है और 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए व बी पर दो आवेश, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहां पर आवेश दिया गया है 2 माइक्रो कूलम, ओके, यहां पर जो आवेश दिया गया वो दिया हुआ है माइनस का 2 माइक्रो कूलम। और इसने पहला सवाल पूछा कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, कि जो निकाय का समविभव पृष्ठ होगा वो कहां पर होगा लाला, है ना। तो बड़ा फर्जी सवाल है ये, हलवा सवाल है, क्या होगा इसका समविभव पृष्ठ। देखिए, हम जब डेटा निकाला था विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव, तो फॉर्मूला निकल के आया था केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू यदि 90 रखते हैं, यानी कि निरक्ष की बात करते हैं, इसके द्विध्रुव के निरक्ष की बात करते हैं, तो निरक्ष पे जो विभव निकल के आता है वो बेटा 0 निकल के आता है। यानी कि निरक्ष के ऊपर यदि मैं कोई पृष्ठ इस तरीके से लंबवत रखता हूँ, ऐसे पृष्ठ, तो उस पृष्ठ का जो प्रत्येक बिंदु होगा वो इस वाले आवेश से और इस वाले आवेश से बराबर दूरी पर होगा, और दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर होने की वजह से उस पॉइंट पर दोनों का विभव बराबर मिलेगा, लेकिन एक प्लस का मिलेगा और एक माइनस का मिलेगा। तो टोटल निकालेंगे तो आंसर मिलेगा 0। यानी कि समविभव पृष्ठ यदि अपन निरक्ष पर लेते हैं, हाँ, यदि हम यहाँ पर एक समविभव पृष्ठ इसके निरक्ष पर लेते हैं, तो निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, 0 होगा, यानी कि एक जैसा होगा सभी पॉइंटों पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर कोई पृष्ठ रखता हूँ इस तरीके से लंबवत, जो निरक्ष पर है, कहाँ है बेटा, निरक्ष पर है इस तरीके का, ठीक है, ऐसा एक पृष्ठ बना लेंगे निरक्ष के ऊपर, तो वहां का विभव क्या मिलेगा, 0, यानी कि ये क्या हो गया, एक समविभव पृष्ठ हो गया। क्लियर है? तो ये पहले का आंसर आ गया। तीसरे के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया गया है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अच्छा, इसने पूछा है कि यहाँ पे जो पृष्ठ होगा उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब हमने विद्युत क्षेत्र भी निकालना सीखा है कि कोई भी द्विध्रुव दिया गया है और उस द्विध्रुव की वजह से आपको किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। जैसे आपको अक्ष पर निकालना है तो फॉर्मूला होता है केपी 2KP अपॉन में आर क्यूब, निरक्ष पर होता है वो KP अपॉन में आर क्यूब होता है। और वहाँ पे हमने डायरेक्शन को भी देखा था, जो डायरेक्शन होती है हम निरक्ष पर देखते हैं तो वो डायरेक्शन निकल के आती है द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो आएगा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। यानी कि यहाँ पे जो भी विद्युत क्षेत्र होगा इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस क्यू इधर है माइनस क्यू इधर है, यानी कि डायरेक्शन ये वाली लाला निकल के आएगी, यानी कि ये वाली, अरे यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली निकल के आएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे हम। ये जितने भी सवाल दे रखे हैं बड़े फर्जी सवाल हैं, बड़े हलवे सवाल हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक गोलीय चालक दिया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बाबू भाई बोल, 12 सेंटीमीटर। पृष्ठ पर आवेश दिया गया है, यहां पर एक आवेश फैला हुआ है, धनावेश दिया गया है, और वो धनावेश दिया गया है क्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, एक समान रूप से फैला हुआ है, ओके। तो इसने बोला कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहला पॉइंट। अरे भाई, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है ना,
गोले अंदर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, तो क्या बोलोगे? इन साइड जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है। जब आवेश ही नहीं होगा तो वहां पे गाउस का नियम लगाएंगे तो बंद प्रश्न में आवेश जीरो है। इसका मतलब उसके किसी भी बिंदु पर यदि अपन अंदर बिंदु लेंगे तो वहां का विद्युत क्षेत्र भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को करते हैं। इसने सेकेंड पॉइंट पूछा है गोले के ठीक बाहर कितना होगा, यानी कि गोले के ठीक बाहर, ठीक बाहर का मतलब इस गोले के ठीक बाहर पूछा, यानी कि पृष्ठ की बात कर रहा है। और पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पृष्ठ पर, अरे पृष्ठ पे फॉर्मूला होता है, गली गली में बच्चा कर रहा है, के की ओवन में आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? के की वैल्यू कितनी दे रखी है? अरे के की वैल्यू दे रखी नहीं होती है, पता होता है 9 × 10⁻⁹ होती है। क्यू का मान दिया हुआ है ना, 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन में आर दिया हुआ बेटा लाला, त्रिज्या दे रखी है कितनी 12, 12 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, कितना आएगा 144 × सेंटीमीटर है। सेंटी को लिखा जाता है 10⁻², और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10⁻⁴ आएगा। इसको सॉल्व ही तो करना है। अरे पॉइंट को हटाओ तो 10 आ गया नीचे, अरे 16 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना आएगा 144, 144 से 144 कैंसिल हो गया, तो यहां से आंसर मिलेगा। अरे एक ये भी कैंसिल हो गया 10⁸। क्लियर है? और यहां पे ये क्या होगा 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो कितना होगा 8 ये है और 4 ये जुड़ेगा 12, 12 में से 7 गया यानी कि 10⁵। कितना आंसर निकल के आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? तो सेकंड का भी आंसर आ गया हमारे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु दिया गया है और वहां पे आपको विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है, तो चलो ज्ञात करते हैं। यहां पे पॉइंट दिया गया है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इस दूरी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, वही फॉर्मूला। अरे बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या, के क्यू एवन वे स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो गब्बर भी बता सकता है। ठीक है, k की वैल्यू कितनी 9 × 10⁹। q कितना, अरे q कितना दिया हुआ था लाला, q दिया हुआ था 1.6 × 10⁻⁷ अपन में r, r का मान कितना 18, तो अपन लिखेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो 18 × 18, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 10⁻⁴। अरे 10⁻⁴ क्यों लिखा हमने बेटा, 10⁻⁴ लिखने का रीजन है सेंटी है, सेंटी को लिखते हैं 10⁻², से इसका स्क्वायर करना है तो 10⁻⁴ आ जाएगा। क्लियर है? पॉइंट को हटा दो, एक 10 नीचे और आ जाएगा। अरे यहाँ पे दो बार मर गया, ठीक है, अरे इस पॉइंट को तो आपने हटा दिया ना यहाँ से, ठीक है, इसको आप इससे काटो, आर पार कटेगा, यानी कि 8/18 आएगा। कितना आएगा 8/18 इंटो क्या आ जाएगा 10⁹ है, 10⁻⁷ है, यानी कि 10⁻² बनेगा, 10⁹ बनेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये ऊपर जाएगा 4, यानी कि 10⁶ बनेगा, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हुआ, यानी कि 10⁵ बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 से काटो कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 से काटो 9 बार कटेगा, 4 में 9 का भाग दो तो 0 पॉइंट, फिर कितना आएगा 36, यानी कि 4 बार जाएगा 36, 4 बार जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। बड़ा फर्जी सवाल, बड़ा हलवा सवाल। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया वो दिया गया एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच में वायु है। एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है, ये प्लस प्लेट होगी। अरे संधारित्र कैसे बनाते हैं, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट, इनके बीच की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, डी से, एरिया को किससे लिखते हैं, ए से, तो इसकी धारिता का फॉर्मूला क्या, अरे इसकी धारिता निकालनी है, धारिता का फॉर्मूला क्या, अरे गली गली में बच्चा कर रहा है, क्या फॉर्मूला होता है जब निर्वात होता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपन में डी। अब इसने बोला है कि पट्टिकाओं के बीच में वायु है, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा, और ये धारिता आपको दे रखी है 8 μF, कितना दिया हुआ है 8 μF। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, अच्छा डिस्टेंस, नई डिस्टेंस कितनी है, मैं मान लेता हूं कि नई डिस्टेंस क्या है, डी डैश है, तो अपन क्या लिखेंगे, डी बाय 2 लिखेंगे,
और इसने क्या बोला है, इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, यानी कि इनके बीच में एक परावैद्युतांक माध्यम भरा गया है इनके बीच में, और इसका परावैद्युतांक दिया हुआ है के बराबर 6 दिया हुआ है, तो नई धारिता क्या होगी? अरे भाई नई धारिता क्या होगी, जब किसी माध्यम को पूर्ण रूप से भरा जाता है तो नई धारिता का फॉर्मूला होता है, माध्यम में ज्ञात करते हैं वो कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, क्लियर है? अरे के क्या है, जो भी माध्यम आपने इसके अंदर भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक, डी क्या होता है इनके बीच की डिस्टेंस, तो यही फॉर्मूला अपने अप्लाई करेंगे, तो मान लेते हैं कि नई धारिता क्या है सी डैश है, तो लिखेंगे सी डैश इज इक्वल टू, अरे के का मान कितना है, के का मान दिया हुआ है 6, तो अपन लिखेंगे 6, ए एरिया उतना ही रखा है तो लिखेंगे ए, एप्सिलॉन नॉट भी उतना ही है तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, ओहो डी का मान उसने बेटे ने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, पहले यदि डिस्टेंस को डी ले रहे थे, नई डिस्टेंस क्या लिखेंगे डी बाय 2, और ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि 6 × 12 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और यहां से अरे ये तो भाई पहले भी धारिता थी, अरे जब उनकी डिस्टेंस डी थी, एरिया ए था, निर्वात था, उस कंडीशन में धारिता का फॉर्मूला ये लगता, और इसका मान दिया हुआ था 8 माइक्रोफेरेड, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे अपन 12 × 8 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 96 माइक्रोफेरेड, बड़ा हलवा सवाल, क्लियर है, सिंपल था, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो दिया गया है वो दिया गया है, एक बार देख लेते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, नाइन पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 9 पिको फेरेड वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, चलो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, तो इसने क्या बोला है, इसका भी मान कितना है 9 पिको फेरेड। अच्छा बेटा जो पीछे वाला सवाल था ना, वहां पे माइक्रो नहीं है, वहां पे पिको फेरेड, तो उसको सही कर लेना आप, है ना, मैंने वहां पे माइक्रो फेरेड करके करवाई थी, पिको फेरेड होता तो आंसर पिको फेरेड के अंदर आता, सेम तरीका फॉलो करना है, 9 पिको फेरेड, इसका भी मान कितना है 9 पिको फेरेड, इसका भी मान कितना है 9 पिको फेरेड, बताइए इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, पहला सवाल ये दिया हुआ है कि इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, अरे भाई तुल्य धारिता क्या होगी, भाई बोल तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, अरे जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं संधारित्र, तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तुल्य धारिता को यदि मैं लिख लेता हूँ इक्विवेलेंट से, तो अपन लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसके अंदर एक फॉर्मूला मैंने ये भी बता रखा है कि जब सभी संधारित्रों की धारिता एक जैसी हो तो फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई होता है C equivalent = C/n, अरे इसका मान भी सी है, इसका मान भी सी है, इसका मान भी सी है, तो फॉर्मूला लगेगा C/n, n का मतलब आपने कितने संधारित्रों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा है, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा, अरे सी का मान कितना 9 पिको फेरेड, एन का मान कितना 1, 2, 3, यानी कि आंसर आ जाएगा C equivalent = 3 pF, क्लियर है, ये धारिता आ गई। दूसरा क्वेश्चन इसने इसी के अंदर पूछा है, अच्छा यदि संयोजन को, इसी पूरे संयोजन को 120 वोल्टेज के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, 120 वोल्टेज दिया हुआ, एक बार देख लेते हैं, हाँ 120 वोल्टेज दिया गया है, क्लियर है, ठीक है देख लेते हैं, अरे एक संधारित्र ये मान लेते हैं कि ये सी है, तो ये भी कितना होगा बेटा सी होगा, ये भी बेटा कितना होगा सी होगा, तीनों को एक सप्लाई से जोड़ दिया, सप्लाई का मान कितना दिया हुआ है 120 वोल्टेज, ठीक है, जैसे अपन जोड़ेंगे यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होने की वजह से यहाँ पर आवेश आएगा, ठीक है यहाँ पर भी आवेश आएगा, और हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, इस पर यदि आवेश क्यों आएगा तो इसके ऊपर भी आवेश क्यों आएगा, इसके ऊपर भी आवेश क्यों आएगा, लेकिन हाँ
जब श्रेणी क्रम संयोजन जुड़ा हुआ होता है उस कंडीशन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बराबर आएगा। रीजन क्या, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से धारा निकलेगी, जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी धारा यहाँ पर भी आएगी, उतनी धारा यहाँ पर भी आएगी। जब धारा का मान बराबर होगा तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा भी बराबर होगी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर आवेश Q1 मान लिया तो मतलब यहाँ पर आवेश Q माना तो मेरे को यहाँ पर भी Q मानना पड़ेगा, यहाँ पर भी आवेश को Q मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन विभवांतर ध्यान रखना, जब भी संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन होता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा बराबर होती है जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है समांतर क्रम संयोजन के अंदर, वहां पे क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होगा लेकिन आवेश की मात्रा प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग होगी। क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि टोटल आवेश यहाँ से निकलेगा कितना, क्योंकि जहाँ से यहाँ से जितना आवेश निकलेगा उतना ही आवेश प्रत्येक संधारित्र पर आएगा। तो इसको निकालने का तरीका होता है, वो निकालने का तरीका होता है, मान लिया कि ये तीनों संधारित्र की टोटल धारिता कितनी है, टोटल धारिता मतलब इक्विवेलेंट है, तो कुल आवेश कितना निकलेगा यहाँ से। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से आवेश कितना निकला, क्यू निकला, तो अपन लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सी इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू सी का मान, यानी कि टोटल कितना आया सी इक्विवेलेंट, अरे सी इक्विवेलेंट कितना आया 3 पिको फेरेड, पिको का मतलब 10 की घात माइनस 2, वोल्टेज कितना दिया गया है 120 से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल के आएगा कितना आएगा 360 इंटू 10 की घात माइनस 12 कूलम, ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश, तीनों पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। अरे जो आवेश यहाँ से निकलेगा वही आवेश इस पर भी जाएगा, मतलब इस पर जाने का मतलब इसमें कितने जुड़े हुए हैं, 3, 1, 2, 3। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा को हमने ज्ञात कर चुके हैं, अब प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर को भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ का विभवांतर निकालना है, V1 इज इक्वल टू, किसी भी संधारित्र का विभवांतर कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी संधारित्र का विभवांतर ज्ञात किया जाता है कि उस संधारित्र पर आवेश कितना है वो निकालो, उसकी धारिता कितनी है वो निकाल दो। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सी, क्या होता है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सी, अरे Q का मान जैसे मेरे को यहाँ का भी वो निकालना है तो Q का मान यहाँ पर कितना होगा, अरे ये वाला कितना है 360 इंटू 10 की पावर माइनस 12। क्लियर है? अपन में सी, अरे धारिता कितनी है इसकी, इसकी धारिता दी हुई है 9 पिको फेरेड, पिको का मतलब 10 की घात माइनस 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 40 बार, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 40 वोल्ट। यानी कि पहले संधारित्र पर विभवांतर कितना आएगा 40 वोल्ट, दूसरे पर भी कितना आएगा 40 वोल्ट, तीसरे पर भी कितना आएगा 40 वोल्ट। कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे तो तीनों के ऊपर जो विभवांतर आ रहा है वो सेम जैसा निकल के आ रहा है, अरे सेम इसलिए निकल के आ रहा है कि क्यों, क्योंकि तीनों की जो धारिता है वो आपको बराबर दी हुई है। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगला सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया है कि 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड एवं 4 पिको फेरेड धारिता वाले तीन संधारित्रों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ा गया है और एक यहाँ पे जोड़ा गया है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। एक है 2 पिको फेरेड, ये है 3 पिको फेरेड का और ये है 4 पिको फेरेड का। तो बताइए पहला सवाल दिया हुआ है संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी। अरे बहुत सिंपल सवाल है ये, तो गली गली में बच्चा करता है, कितना आंसर आएगा। अरे समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है सभी संधारित्रों की धारिता का योग कर दो। फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अरे सी वन का मान कितना 2, सी टू का मान कितना 3, इसका मान कितना 4, तो आंसर क्या आएगा 3, 2, 5, 4, 9, यानी कि 9 पिको फेरेड आंसर निकल के आ जाएगा। अरे तुल्य धारिता कितनी निकल के आ जाएगी लाला, 9 पिको फेरेड। ओके, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसने बोला कि यदि संधारित्रों को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला है कि यहाँ पर मैं एक बैटरी को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी को जोड़ दिया और 100 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया, यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। देखिए आवेश यहाँ से निकलेगा और वो आवेश जाकर के तीन भागों में बटेगा, यहाँ पर आकर के तीन भाग बनेंगे। मान लिया कि इस पर जो आवेश जा रहा है वो Q1 जा रहा है, इसमें जो आवेश जा रहा है वो Q2
टू जा रहा है और इसमें जो आवेश जा रहा है वो क्यू थ्री जा रहा है। तो हमारे को क्या निकालना है आवेश के भाई, इसके ऊपर आवेश कितना होगा, इस पर कितना होगा और इस पर कितना होगा। तो बेटा ध्यान रखना कि जब कभी भी समांतर क्रम संयोजन होता है उस संयोजन के अंदर प्रत्येक संधारित्र पर विभव का विभवांतर जो होगा वो बेटा बराबर होगा। यदि यहाँ पर विभवांतर 100 है तो यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा और यहाँ पर भी 100 होगा। यानी कि इसका विभवांतर कितना है 100, इसका भी कितना है 100, इसका भी विभवांतर कितना है 100। जब आपको किसी संधारित्र की धारिता दी हुई है, उसका विभवांतर दिया गया है, तो आप उसके ऊपर जितना आवेश आएगा वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे पहले संधारित्र पर आवेश, लिखेंगे 2 पिकोफेरेड पर आवेश की मात्रा। इस पर आवेश कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से निकाल दो सी का मान कितना 2 पिकोफेरेड, पिको का मतलब 10^-12, वोल्टेज कितना है 100, 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 2 × अरे 10^2 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस द्वारा है तो आंसर आएगा 10^-10 कूलम, ये आंसर निकल के आ गया। ओके, ये पहले का आंसर आ गया। अब इस पर चेक करेंगे कि भाई इस पर कितना आएगा, फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, सी वी, सी का मान कितना 3 × पिको का मतलब 10^-12, V का मान कितना है बेटा 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 300, 300 का मतलब 3×10^-10 कूलम, ठीक है। तीसरा, इस पर भी आवेश निकालना है तो Q इज इक्वल टू 4×10^-12 × 100, तो यहाँ से आ जाएगा 4×10^-2 कूलम, 10 कूलम सॉरी। तो इस तरीके से आप प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए अच्छा इतना ही, आगे वाले जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके आगे वाले जितने भी सवाल हैं उनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चा इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल्स पर आप पहली बार है तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। It's not a game, sir.